हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मम्मा की रसोई में। तो आज बनने जा रहा है पालक का पराठा, वो बनाएंगे हम भरवा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पालक की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है, इसे हमें सेकना है। मैं बनाऊंगी 1 पराठा, तो 1 पराठे में 2 चम्मच काफी है। और 1 कप मैंने पालक लिया है, ये मैंने पालक काट के रख रखा है, तो इसे हम भून लेंगे। आप पालक मतलब बेसन को आप सेक के भी रख सकते हो, तो आपको जब भी बनाना हो तो आपको समय नहीं लगेगा। तो ये हमने बेसन को सेक लिया, इस तरह से सेक लेंगे, इसे इधर रख देंगे। और अब हम बनाएंगे पालक की स्टफिंग। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच घी लिया है, और ये मैंने लिया है पालक, 1 कप पालक लिया, इसे मैंने काट लिया है। और इसे मैंने 1 घंटे पहले इसे इस चलनी पर रख दिया था, ताकि जो भी पानी है इस पालक में वो एक्स्ट्रा, देखिए ये पालक का पानी इसमें निकल गया है। और आप इसे निचोड़ भी सकते हो, हाथ से निचोड़ ले तो इसका पानी निकल जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर काफी बढ़िया लगता है पालक के पराठे में, तो मैं 1/4 चम्मच करीबन अजवाइन डालूंगी। पिंच हल्दी डाल देंगे, गैस बंद कर देंगे, और अब इसे हम पालक में डाल देंगे। और जो हमने बेसन भुना था इसे भी डाल देंगे। तो 1 कप पालक में 2 चम्मच बेसन काफी है। और अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो इसमें काफी कम मसाले डालेंगे, मैंने 1/4 चम्मच चाट मसाला लिया है। अगर आप चाट मसाला नहीं डालना चाहते हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, नींबू का रस भी डाल सकते हो, और नहीं डालोगे तो भी चलेगा, नमक और मिर्ची से भी बनके ये रेडी हो जाता है। अब इसमें हम डालेंगे मिर्ची, तो 1/4 चम्मच हम मिर्ची डाल देंगे इसमें। 1/4 चम्मच ही नमक डालेंगे, सादा नमक है बस। अब इसमें हम और कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे, और इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। तो आप पालक का पराठा किस तरह से तैयार करते हो मुझे आप जरूर बताना, कि आप भी इसी तरह बनाते हो या आप अलग तरह से बनाते हो। तो इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, तो हम पराठा बनाना तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए चपाती वाला आटा। तो इसमें मैंने लिया ये 1 लोया बना लिया, इसमें थोड़ा बड़ा ही बनेगा। अब इसे हम बेल लेंगे, थोड़ा मोटा ही बनेगा ये। अगर हम पतला बनाएंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा पालक का। ये हमने बेल लिया है, और जो हमने स्टफिंग तैयार करी इसे डाल दें। जब भी आपको पालक का पराठा बनाना हो तभी इसमें आप नमक डालें। अगर आप पहले नमक डाल दोगे तो पालक पानी छोड़ देगा। तो हमने पूरा पालक डाल दिया है, और इसे हम करेंगे अब पैक। पैक कर देंगे, इसे हम थोड़ा सा दबा देंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, और इसे हाथों से पहले इस तरह से दबाएंगे। इसे हम बेल लेंगे, देखो पालक कितनी जल्दी पानी छोड़ता है। और अब इसे हम तवे पे रखेंगे, रख दिया। अब इसे हम मीडियम आंच पे सेकेंगे, नीचे से हल्का सा सिकने देंगे। अब इसे हम उलट पलट करते हुए सेक लेंगे। आप घी लगा सकते हो, बटर लगा सकते हो, तेल लगा सकते हो, जो भी आपको इसमें पसंद हो वो आप इसमें लगा सकते हो। और इसे करारा होने तक सेकेंगे। अगर आप प्याज पसंद करते हो तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हो। इसे उलट पुलट करते हुए सेकेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे दबाते हुए उलट पुलट करते हुए सेक लिया है। देखिए काफी मोटा पराठा है, 1 पराठे में ही आपका काम हो जाएगा। अब इसे हम कट कर लेते हैं। आप इसे दही से, चटनी से, केचप से, जो भी आपके पास हो अवेलेबल आप उससे खा सकते हो। यानी कि आपको इसमें सब्जी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए इसमें चारों तरफ से पालक फैला है, और हेल्दी, पौष्टिकता से भरपूर। तो ये हमारा पालक का झटपट पराठा बनके रेडी हो गया है। तो
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और जरूर ट्राई करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।